यस तो मैंने हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज सृष्टि राठी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ये है मैडम, इसकी नजर बेसिकली इस ग्लास के ऊपर है। रू अफजा पिला दे उसको पीना है ये फिलहाल। अच्छा तो आज है क्या डेट है यार आज आकाश? हाँ टुडे इज 20th ऑफ मे और फ्राइडे है एंड प्लान बन रहा है कि हम लोग जाएं कल अपने ससुराल। मैं जाऊं अपने ससुराल। आकाश का तो मायका हो गया, मेरा ससुराल। ये हमारा आज जो कलर थीम है, फैमिली कलर थीम इज येलो। ही इज इन येलो, इग्नोर हिज मेसी हेयर। आई एम इन येलो एंड शी इज ऑल्सो इन येलो काइंड ऑफ। मैं जाऊं अपने ससुराल। उसका रीजन ये है कि एक बार भी हम लोग किया के पैदा होने के बाद से गई नहीं है। इट्स बीन वन एंड हाफ ईयर जब से मैं गई नहीं हूँ उधर। और उसके अलावा हमें कुछ तो काम है जो हमको वहां पर निपटाने हैं। और सोचा थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि अभी ट्यूशंस भी मेरी ऑनलाइन मैंने कर दी है फॉर वन मंथ, तो मैं इस वजह से कर सकती हूँ मैनेज वहां जाना। और उसके बाद तो फिर ऑफलाइन हो जाएगा, तो पता नहीं कब जा पाऊंगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस फिर आई थिंक अगस्त में ही जाना होगा। और हम लोग जो जा रहे हैं अभी पटना नहीं जा रहे हैं, तो मेरा ससुराल मैं जा रही हूँ, बट वी आर नॉट गोइंग टू पटना। हम लोग जा रहे हैं आकाश के पेटर्नल टाउन, दैट इज डुमराव। हम लोग डुमराव जा रहे हैं और वहां भी हमारा एक घर है जो कि बहुत पुराना है। आकाश कितने साल पुराना है? सवा सौ साल पुराना, 125 ईयर्स ओल्ड पुराना घर है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। मतलब कि वो पुराने टाइम के जैसे घर होते थे वैसे। तो हम लोग वहां रहेंगे फॉर वन मंथ अगर हम लोग जा पाए। अब अगर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी टिकट्स हुई नहीं है और अभी जाने की जिम्मेदारी मेरे पे ही है, क्योंकि मैं ही आज बैठ के टिकट्स करने वाली हूँ। और वहां बिहार पटना जाने का या उस साइड जाने का ना हमेशा वेटिंग ही रहता है। हम लोग ट्रेन से जाएंगे क्योंकि वही सबसे इजीएस्ट रहेगा सोर्स हमारा जाने का। फ्लाइट से जाने का मतलब है कि पहले आप पटना जाओ, वहां उतरो और फिर वहां से बाय रोड आपको 4 घंटे और लगेंगे। तो किया के साथ नहीं भाई, अब बिग नो। और आकाश को भी थोड़ा बैक में पेन रहता है और मेरा भी आपको पता ही है भाई कि मैं बहुत आलसी तो हो ही गई हूँ। खैर तो हम लोग जाएंगे ट्रेन से, जो कि डायरेक्टली हमको वहीं टाउन में डुमराव में ही उतारेंगे वो ट्रेन। और फिर वहां से इट्स 5-10 मिनट का रास्ता है घर का, तो वहां कोई जाने का इश्यू नहीं है। अभी वेटिंग चल रहा है तो 10 बजे आई थिंक तत्काल का विंडो ओपन होगा, तो मैं तत्काल में उसको करूंगी बुक, टिकट्स को। और वो बहुत मुश्किल है क्योंकि विद इन अ मिनट और 2 मिनट साइट फुल हो जाती है, फिर से वेटिंग हो जाती है तत्काल में भी। तो आई हैव अराउंड 1 मिनट ओनली टू बुक माई टिकट। और अगर नहीं हुई तो फिर मेरे को लगता है फिर हम 1 हफ्ते तक और डिले हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कल का हम लोग टिकट लेंगे तो हम लोग संडे को सुबह पहुंचेंगे 4 बजे। कल हम लोग में भी चलेंगे शाम में 5 बजे और सुबह 4 बजे पहुंचेंगे। 10 आवर्स की जर्नी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर संडे को मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरा पूरा संडे का दिन ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। मंडे को मेरा ऑफिस भी रहेगा, ट्यूशन भी रहेगा, तो मैं तो बहुत थक जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अगर हम लोग कल चलेंगे और संडे पहुंच जाएंगे तो मेरे पे संडे का दिन होगा टू रेस्ट। तो हमारा यही एम है कि हम लोग टिकट्स कर ले और हम कल जा पाए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट सैटरडे के लिए करेंगे। अगेन उसका भी वेटिंग है तो उसके लिए भी तत्काल ही करना है, बट फिर हम लोग कोई और अप्रोच से जाएंगे। बट फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम लोग कल ही निकल लें, वो वेल एंड गुड है, क्योंकि फिर हम पे ज्यादा दिन होंगे वहां रहने के लिए। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि किया फर्स्ट टाइम जाएगी उधर। वैसे तो किया अभी पटना भी नहीं गई है, एक बार भी पटना वाले घर में भी नहीं गई है। वहां पे आई थिंक हमारा अभी जाना नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली नवम्बर वगैरह के टाइम पे हम लोग उधर जाएंगे। लेकिन वहां डुमराव किया फर्स्ट टाइम जाएगी, उस घर में जाएगी फर्स्ट टाइम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपने बड़ी मम्मी, बड़े पापा, अपनी बड़ी बहन और अपने भाई से मिलेगी।
फर्स्ट टाइम, तो मेरे को जैसे मैंने मम्मी पापा मेघा गोलू भैया का रिएक्शन जो है कैप्चर करा है, तो मैं उनका भी रिएक्शन कैप्चर करूंगी कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। 9:30 हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ लॉग इन करने, मैं लैपटॉप से बुकिंग करूंगी और मैं एक बार सारे स्टेप्स देख लेती हूँ कि मेरे को क्या क्या सेलेक्ट करना होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर अल्टीमेटली मैंने टिकट नहीं करी तो ये जो बैठा है आदमी मुझे गालियां देगा पक्का पीछे से। हाँ You'll do it? Yes, I'll do it. Okay, तो फिर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाश को दे देते हैं क्योंकि मेरे को ये रिस्क नहीं लेना, ठीक है। मैं किया को देखूंगी एंड आकाश विल बुक द टिकट्स और लेट्स सी, आपको मैं अपडेट देती हूँ वंस टिकट हो जाती है। और अभी मैं आपको साइमल्टेनियसली किचन का हाल भी दिखाती हूँ जो कि बहुत रद्दी हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे बर्तनों का ढेर। मेरी मेड अभी अभी आई थी और थोड़े से बर्तन धो के गई है कहीं काम से, आई थिंक आधे घंटे में दोबारा आएगी और फिर ये धोएगी सारा मेस। अभी तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, मैं वेट कर रही थी बर्तन धुल जाने का क्योंकि उसके बाद साफ किचन में मैं अच्छे से बनाऊंगी। और प्लस मैंने सोचा कि मैं एक बार मतलब टिकट बुक कर लेती हूँ तो थोड़ा मेंटली शांत हो जाऊंगी मैं। हाँ ये, और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टिकट्स हुई नहीं है तो हमें पता नहीं था कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है। तो आप समझ लो कि अगर टिकट्स हो जाती हैं तो मेरी आज की लगेगी रेल, जो कि मेरे को लगता है डायरेक्टली कल जब तक मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगी तब जाके मैं थोड़ा शांत होंगी बिकॉज पैकिंग करनी है। अभी इतना क्योस हो रहा है और जब तक मैं टिकट बुक करूंगी तब तक आप मेरी शक्ल थोड़ी निहारते रहेंगे, तो मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, मैं क्लिप डाल रही हूँ इस क्लिप के बाद जो कि है 12th of May का, क्योंकि 12th May के बाद से लेके आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। बीच में मैंने 8 दिन व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही थी, ट्यूशन में भी बहुत बहुत सिलेबस मेरे को कवर करवाना था, उसके बाद मेरे ऑफिस में भी बहुत काम था, घर भी देखना था, तो उस टाइम पे मेरे को टाइम नहीं मिला, लेकिन आज टाइम मिला तो आई थॉट कि मैं कर लूँ। तो मीनवाइल मैं टिकट बुक कर रही हूँ, इतने आप जाइए और 12th May का क्लिप देखिए। 12th May को था पापा की पुण्यतिथि और उसको हम लोगों ने कैसे उस पर हम उस दिन हमने क्या क्या किया वो मैंने रिकॉर्ड करा है, तो वो आप जाके देखिए। इतने में टिकट बुक करती हूँ और वंस आप वो क्लिप देख के हटते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द स्टेटस, टिकट बुक हुई कि नहीं हुई, हम लोग कल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पापा की पुण्यतिथि और इस पे खिलाना होता है, पंडित जी को भी खिलाना होता है, जो कि एक डेट निकली थी आई थिंक पिछले वीक निकली थी, है ना भाभी? तो उस पे हमने पूजा करी थी और पंडित जी को खिलाया था, बट टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी, पुण्यतिथि जिसे हम बोलते हैं, तो वी थॉट कि हम लोग गरीबों को खाना खिलाएं आज के दिन, तो वही बस जा रहे हैं, खाने का ऑर्डर दिया हुआ है और वहाँ से खाना पिक कर और हम लोग फिर जाएंगे और खाना बांट के फिर घर आएंगे, तो मैं आपको थोड़े से ग्लिम्सेस उस टाइम के भी दिखाऊंगी। सो दिस इज आर आलू की सब्जी जो कि हम लोग देंगे और ये है हमारा हलवा देसी घी का एंड वी हैव पूरी आल्सो। ये है अभी की सारा क्योस शांत हो चुका है और हमारी टिकट बुक हो चुकी है, बट हम लोगों को जो सीट मिली है वो मिली है अपर एंड साइड अपर, मतलब हमें लोअर सीट नहीं मिली है। और मैं अभी कहीं काम से जा रही हूँ, आके बताती हूँ। बैक विद अ बैंग और जैसा कि मैंने बताया था कि टिकट्स मेरी हो चुकी हैं, बट हमें मिला है अपर क्लास। उसके अलावा बहुत थकावट हो रही है एक्चुअली, में ऐसा होता है मेरे को लग रहा है जब पता होता है ना कि सर पे बहुत सारा काम है तो सोच के ही थकावट होने लग जाती है। ऑल दो मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, सुबह से बस काम ही करा है ऑफिस का। फिलहाल अभी आई एम गोइंग इन अ कॉल और ये कॉल निपटाने के बाद आज मैं होपफुली 5:30 या 6 o'clock तक मैक्स लॉग ऑफ कर लूँगी और उसके बाद फिर शुरू होता है मेरा पैकिंग का कार्यक्रम, तो उसमें लगे रहिए। यस गाइस, तो मेरा लॉग आउट हो चुका है आज का एंड इट्स अ वीकेंड। दो मेरे को ट्रैवल करना है तो थकावट होगी लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। हे यस,
अभी बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो हम पेट पूजा करेंगे, दूध चाय पियेंगे, कुछ स्नैक्स बनाएंगे वो खाएंगे, उसके बाद करेंगे पैकिंग। या हो सकता है मैं करूँ रेस्ट, क्योंकि तब तक 8 बज जाएंगे तो मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है। पैकिंग हम लोग रात में करेंगे जब किया सो जाएगी, या तो सुबह करेंगे। कल मेरे को कोई टेंशन नहीं है पैकिंग की, क्योंकि हमको ज़्यादा भार नहीं उठाना है, तो हम लोग ज़्यादा सामान नहीं लेके जाएंगे। मेरे भी कपड़े उधर हैं ऑलरेडी, और आकाश के भी कपड़े हैं उधर ऑलरेडी, और अभी किया के कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, लेकिन वो भी मैं उधर छोड़ आऊँगी कुछ कुछ, ताकि अगेन आगे जाके कभी किया जाए तो कपड़े हो ऑलरेडी। सो इज इट ऑल सॉर्टेड? सोचा था कि मैं सोऊंगी, जो कि आपको मेरी आंखों को देख के लग रहा होगा, लेकिन मैं नहीं सो पाई, तो अब जो भी सोना होगा रात में ही होगा। आकाश प्लीज रील्स बंद करो। गॉड, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात में लिटरली कुछ अलग ही हो गया। वो ये हुआ कि आपसे बात करने के बाद मैंने दूध वूध पिया, बट मुझको पता नहीं क्यों अपनी तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रही थी, और इतनी बुरे तरीके से मेरे पेन हो रहा था पैरों में और कमर में, तो मुझे लगा कि नहीं अभी मेरे को इतना एग्जर्शन नहीं करना चाहिए, और कल मतलब इन आज ट्रैवल भी करना है तो रेस्ट करना चाहिए, और प्लस पैकिंग भी करनी थी, तो मैंने कल ट्यूशन की छुट्टी दे दी, ये सोच के कि मैं दो एक सेकेंड किया। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि मैंने सोचा कि मैं 2 घंटे रेस्ट करूंगी और उसके बाद आराम से पैकिंग करूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब रेस्ट करा मैंने, उसके अलावा मतलब उसके बावजूद भी मेरे बहुत पेन हो रहा था, तो पैकिंग मैंने लिटरली नहीं करी कल, और सिर्फ ये किया कि मैंने अपने कपड़े जो भी मेरे को थोड़े से कपड़े जो भी लेके जाने थे वो निकाल के रख दिए, और आकाश के कपड़े निकाल के रख दिए, और थोड़े से किया के कपड़े निकाल के रख दिए, और इतने सारे कपड़े मैले थे, तो मैंने कल लाइक मशीन लगाई और कपड़े वपड़े फैला दिए, कपड़े एटलीस्ट धुल जाएं, सूख जाएं, ताकि सुबह मुझे आसानी रहे, क्योंकि किया के बहुत कपड़े मतलब गंदे थे, तो वो मैंने रात में निपटा दिया था। एक सेकेंड, लड़की बार बार जा रही है। हाँ, वो काम मैंने निपटा दिया था। सुबह मैं लिटरली लगी हुई हूँ 8 बजे से, और अभी 11:30 हो रहे हैं। अब जाके मैंने नहाया है और मैं रेडी हूँ, अभी भी मुझे कॉम वॉम करना है। किया को नहलाया है, किया बिल्कुल रेडी है, आकाश बिल्कुल रेडी है। अब बस और बस ये लड़की गिर जाएगी, 1 मिनट, ये इतनी चुल्ली हो गई है ना, इतनी चुल्ली हो गई है ये लड़की की, पूछो मत। हाँ, अब बस और बस हम लोग थोड़ा गेट वेट चेक कर रहे हैं, जो भी बाहर बालकनी में सामान है वो देख रहे हैं कि वो मंदर कर दे, क्योंकि कल इतनी तेज आंधी आई है ना, मतलब इतनी तेज मिट्टी की आंधी जो भी होती है वो आई है, और थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो ऑब्वियसली अब हम नहीं रहेंगे तो पीछे से हो सकता है कि वापस से आंधी हो, तो बहुत कुछ उड़ने का डर रहता है, तो हम सब कुछ अंदर पैक करके जा रहे हैं पूरा। तो वही 2 बालकनीज का मैंने कर दिया है, 2 बालकनी आगे आकाश कर रहे हैं, और किया की बॉटल स्टरलाइज हो गई है, खाना जो हमें लेके जाना है वो पैक हो चुका है पूरा, फ्रूट्स कट कर लिए हैं, किया का बस अब मेरे को दूध डालना है बॉटल में, और जब ये सब हो जाता है और कैब बुक हो जाती है, तो जस्ट जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर कैरिंग, थोड़ा ऊपर से आई टेल यू। यस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी काम करके हटी हूँ, और अब मैं दिखाती हूँ हमारा क्या क्या सामान है जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, कैब नीचे वेट कर रही है। 3 बैग्स, ये है मेटर्निटी बैग, एज इन ये किया का बैग है, इसमें सारा किया का सामान है। अगर हमें ट्रेन में चाहिए होगा तो मेरे को इस बैग को खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें भी किया के कपड़े हैं कुछ, बट इसमें मतलब लाइक उसके वाइप्स, डायपर, या फिर जो अगर चेंज करना होगा तो उस टाइप के कपड़े हैं, और ये बहुत हल्का है, बहुत बिल्कुल भारी नहीं है। और बाकी खाने का सामान है, एक बॉक्स फ्रूट्स का है और एक बॉक्स शायद पराठा का है, बट वो थ्रो वाला है, तो खा के हम फेंक देंगे तो ये और हल्का हो जाएगा। दिस इज़ आर लैपटॉप बैग, इसमें हम दोनों के लैपटॉप हैं। दिस इज़ आर ट्रॉली बैग, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कपड़े हैं, और ये इतना हल्का है कि इवन आई कैन पुल इट ईजीली, सी बहुत हल्का है। हम लोगों ने ना मतलब ये एक्चुअली में हम एक में नहीं कर सकते थे, लैपटॉप बैग हम इसमें नहीं रख सकते थे, टूटने का डर रहता, तो इसलिए उसके लिए अलग होना पड़ा, और ये हमें चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि किया का सामान जो भी मेरे को चाहिए होगा ट्रेन में तो मैं ये नहीं खोलूंगी, ये यूज़ करूंगी, तो ये 2 बैग्स तो मैंडेटरी थे। ये ट्रॉली हो गया, एंड दिस इज़ आर मिनी फ्रिज, ये हमारा मिनी फ्रिज है, और बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, पता है कि नहीं है, तो इसमें जो भी चीज़ हम रखते हैं वो ठंडी रहती है, तो इसमें हम लोगों ने बनाया है ठंडा दूध रियोवजा वाला, जो हम तीनों लोग पियेंगे, किया का दूध है इसमें,
और पानी है इसमें। फ्रूट्स मैंने इसमें डालने की कोशिश करी बट ये फुल हो गया तो नहीं आ पाया, और प्लस इसमें आइस पैक्स भी हैं। तो दिस इज इट, अभी हम लोग निकलते हैं, कैब में बात करेंगे और स्टेशन पहुंच के आपको दिखाएंगे। वी आर इन द कैब और ये मैडम देखिए कैसे विंडो के बाहर ताक रही है। किया किया ये देखो देखो ये क्या कर रही हो, किया मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। अरे मेरे को मत दिखाना, उधर ही करना। इधर आओ ये अब ना चल। तो नो बाप बेटी का अपना कॉन्वर्सेशन। यस तो थोड़ा देर में सो गई थी, मस्त वाली नींद आई मेरे को, अराउंड मेरे को लगता है मैं 2-3 घंटे सोई। किया ऊपर सो रही है और अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और आकाश काफी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। तो आकाश कैन यू टेल मी व्हाई वी आर हैविंग राइट नाउ द डेलिकेसी ऑफ लखनऊ, जिसकी वजह से ये फेमस है, लाइक लखनऊ इज फेमस फॉर मोगरी फूड। तो राइट नाउ वी आर हैविंग टुंडे कबाब एंड पराठा एंड ऑल। एंड मैं पराठे का साइज दिखाना चाहती हूँ, ये है हमारा पराठा। दिस इज माय वेज कबाब्स ऑब्वियसली, सी नाइस। मतलब कि लखनऊ ना जाकर भी लखनऊ का खाना टेस्ट करवा दिया इस आदमी ने मुझे आज। सो डिनर इज डन और अब मैं जा रही हूँ सोने। सोना तो क्या ही, मतलब देखते हैं कुछ मोबाइल पे वेब सीरीज, और जैसे नींद आएगी तो सोएंगे और सुबह उठते हैं और रिएक्शंस कैप्चर करेंगे। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यही पेंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड मास्क पहन के रहिए, कोविड बहुत बुरा है।